सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रैम्स एसएसडी एनवीएमई एसएसडी के क्या प्राइसेस चालू है अभी माइक्रो सेंटर में। चलो जाते हैं देखते हैं माइक्रो सेंटर में हमारे रैम्स एसएसडी एनवीएमई एसएसडी के क्या प्राइसेस चालू है। ओके तो सर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट रैम एसएसडी एनवीएमई एसएसडी के क्या प्राइसेस है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके शॉप के बारे में हमें जरा बताना, आपका शॉप न्यूली ओपन है माइक्रो सेंटर, उसके बारे में हमें जरा बताना वो शॉप कहाँ पे लोकेटेड है कोलकाता में। ये कलकत्ता में चांदनी चौक में लोकेटेड है, जो आपको मालूम है कलकत्ता कंप्यूटर हार्डवेयर का आर्ट है ये। और ये एग्जैक्टली हिंदुस्तान बिल्डिंग वाला मेट्रो गेट है चांदनी चौक का। से अगर आप निकलेंगे थोड़ा सीधा आके लेफ्ट में जाकर माइक्रो सेंटर, ये एक्सिस बैंक का एटीएम जो है उसका बगल में हिंदुस्तान बिल्डिंग पोस्ट ऑफिस का ठीक साइड में। और सर आपका गूगल लाइव लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो गाइस आप जरूर विजिट करना सर के शॉप पे। पर अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर अभी रैम एसएसडी के प्राइसेस अभी कैसे चल रहे मार्केट में? रैम एसएसडी एक्चुअली ये बॉटम आउट हो गया है, मतलब अब इससे नीचे तो जाने का मुझे नहीं लगता है कोई चांसेस है। अभी जो टाइम है इफ समवन इज ट्राइंग टू बाय एसएसडी एंड रैम, ये करेक्ट टाइम है बाय करने का, क्योंकि आप जैसे ही देखेंगे प्राइसेस बहुत ही अच्छा है। ओके तो अभी आते हैं प्राइसेस के ऊपर, स्टार्ट करते रैम से। रैम में आपके पास क्या क्या अभी वैरायटीज अवेलेबल है रैम में? मेरे तो मैं पहले किट की बात करता हूँ। किट में मेरे पास होगा ये जो है आपको दिख रहा है, ये डोमिनेटर प्लेटिनम आरजीबी है, 32 GB का किट है, 16x2 3600 MHz CL18 का किट है। इसका प्राइस आएगा 16,000 इंक्लूडिंग टैक्स। और ये आप जितने भी अभी प्राइसेस बताओगे सारे विद जीएसटी के प्राइस। अभी नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में हमारा पास जो आ गया ये है थर्मल टेक का रैम टफ रैम Z1, ये भी 18x2 3600 CL18 का किट है। इसका प्राइस आ जाएगा 5800 ओनली। उसके बाद अगर हम किट में आते हैं तो ये आ गया आपका स्पेक्ट्रिक्स एक्सपीजी स्पेक्ट्रिक्स का बहुत ही पॉपुलर रैम है ये भी है। और इसके साथ अगर हम D60VG ले, दोनों बेसिकली सेम है, खाली डिजाइन का डिफरेंस है, दोनों का प्राइस सेम आएगा 5400 ओनली। तो अगर हम सिंगल रैम सिक्स के बारे में बात करें तो मेरे पास सबसे सस्ता में जो आएगा, हालांकि ये 16 GB का स्टिक है लेकिन ये 2666 MHz का रैम है, इसका प्राइस आ जाएगा 3850। और अगर हम नॉर्मल मतलब 3200 MHz CL16 विथ हीटसिंक रैम के बारे में बात करें तो सबसे सस्ता मेरे पास जो है वो है गैमेक्स का D30 XPG का। इसका आपका किट एक स्टिक का दाम आएगा 2200 रुपया। इससे अगर थोड़ा ऊपर जाए हम उसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास किंगस्टन का फ्यूरी, पहले ये हाइपर एक्स हुआ करता था, अभी हाइपर एक्स का ब्रांडिंग हट गया, वो HP खरीद लिया है, तो अभी किंगस्टन नाम से आता है किंगस्टन फ्यूरी। इसका प्राइस हो गया 2400 रुपया। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे इसके ऊपर आ गया कॉर्सेयर का वेंजेंस LPX द ओल्ड फेथफुल, इसका प्राइस आ गया 2600 रुपए एक स्टिक का। अब इसके बाद हम जाएंगे RGB RAM में मेरे पास हो गया D60G D50G दोनों ही, इसका किट का भी दाम सेम होता है, सिंगल रैम स्टिक का भी दाम सेम होता है, ये दोनों ही आप कोई भी ले लीजिए 2700 रुपए एक स्टिक का। और उसके बाद मेरे पास XPG D30 का जो ये सिंगल स्टिक है ये 16 GB 3200 CL16 का किट रैम है, सिंगल स्टिक है, इसका प्राइस आ जाएगा 4200। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आ गया हमारा Vengeance RGB RS का प्राइस आ जाएगा 5500, ये 16 GB का सिंगल स्टिक है तो इसका 5500। और अभी इसमें G-Skill Trident देखने जाए तो ये सारे जो रैम्स है ये आपके पास कब तक अवेलेबल हो जाएंगे? ये एक्चुअली मेरा G-Skill ऑलरेडी ऑर्डर डाला हुआ है, तो थोड़ा लॉजिस्टिक का इशू ले ये आने में देर हो रहा है, लेकिन G-Skill भी मिल जाएगा। और वैसे भी ये मेरा इन स्टॉक है, इफ यू कम लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर मॉडल आई कैन अरेंज। तो सर ये हो गया नॉर्मल अपना रैम्स के प्राइसेस। अभी आते हैं DDR5 RAMs के ऊपर। DDR5 RAMs का मेरे को एक बेसिक प्राइसेस बता दोगे कि क्या आ सकता है? देखो अगर XPG का बात बोले तो नॉर्मल जो स्टिक है विदाउट RGB वो लगभग 8900 रुपए के आसपास आ जाएगा। और अगर RGB की बात कर रहे हो तो RGB के 12400 में आ जाएगा। ये मैं 5200 या 5400 MHz के रैम की बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो हम लोग स्टॉक नहीं कर रहे क्योंकि क्वेरी बहुत कम आ रहा है। बाकी तो अब AM5 भी लॉन्च होने वाला है, 13th जनरेशन का भी बात चल रहा है, तो मुझे लगता है जब दोनों प्लेटफॉर्म में DDR5 आ जाएगा तब प्राइस काफी घटेंगे और तब मतलब आपको स्टॉक में भी दिखने मिलेगा। ओके तब एक्चुअल जरा मजा आएगा, लोग खरीदेंगे तभी। तो अभी आते हैं SSD के ऊपर सर। ये तो हो गया रैम्स के बारे में। रैम्स हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे रैम्स कवर किए, जो नहीं रहेगा वो आपको कोटेशन गाइस डाल दो सर को, वो सर आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। तो अभी आते हैं SSD के ऊपर। SSD में आपके पास कितने वैरायटीज अवेलेबल है? SSD में अभी जो वैरायटी है मेरे पास इसमें तुमको साटा कम दिखेगी। ओके तो साटा है वैसा नहीं, लेकिन NVMe में हम लोग ज्यादा फोकस है क्योंकि बेसिकली NVMe ज्यादा बिक रहा है। और मेन मतलब आप जो मेन ब्रांड्स है वो मेन ब्रांड्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो? ब्रांड की बात अगर करें हम हाई एंड में बाद में जा रहे हैं, पहले बेसिक में मतलब 128-250 GB इसका जो रेंज है इसमें आपको कलरफुल मिल जाएगा, क्रूशियल मिल जाएगा, बाकी आपको नॉर्मल EVM हिमविजन मिल जाएगा, हम उसका बात नहीं कर रहे। लेकिन आप 128 GB कलरफुल लेंगे अगर, इसका प्राइस आ जाएगा मान लो 1000-1050 रुपये के आसपास। सिमिलरली अगर आप ये 250 GB में चला जाओगे 250 GB ऐसे आपका आ जाएगा 1650। और उसके बाद अगर आप कलरफुल में जा रहे हो 480 GB कलरफुल में तो इसका प्राइस आ जाएगा 3100 रुपये। तो ये हो गया बेसिक। उसके बाद हम जा रहे हैं अभी, पहला तो इसको हम फोकस करेंगे इसलिए क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड डील वी हैव राइट नाउ। ये Aorus Gen 4 SSD है, 500 GB का कैपेसिटी है, 5500 ओनली इंक्लूडिंग टैक्स। वाओ बहुत अच्छा प्राइस दिया है। यस
केस एक्चुअली ये मतलब डील चल रही है। तो उसके बाद हम जाते हैं सैमसंग में, तो सैमसंग का मोटा मोटी जो लाइनअप अभी मिल रहा है वो है हमारे पास। 970 Evo Plus है नहीं क्योंकि उसका उतना ज्यादा क्वेरीज नहीं आता है। 980 और 980 Pro हाईएस्ट सेलिंग है और 870 Evo का भी क्वेरी आता है। तो सबसे पहले आते हैं हम 980 Pro के बारे में। ये अगर आप PZ Bench फॉलो करते हैं तो दिस इज द मोस्ट रिलायबल Gen 4 SSD इन द वर्ल्ड। इसका प्राइस आएगा 1 TB का 14,800। उसके बाद अगर हम आते हैं 870 Evo के बारे में, तो 870 Evo जो है ये आपको 1 TB का साटा ये मिल जाएगा आपको 9,200 में। उसके बाद सिमिलरली 870 Evo का अगर 500 GB आप देखेंगे तो 500 GB आपको मिल जाएगा 4,900 रुपए। अगर 980 में हम जाते हैं, बेसिक जो DRAM कैशे लेस NVMe है सैमसंग की तरफ से, अभी सबसे सस्ता यही मिल रहा है, तो इसका 500 GB का प्राइस आ जाएगा 4,750। और सिमिलरली जो 250 GB है इसका प्राइस आ जाएगा 3,750। ओके, मतलब सैमसंग आपके पास बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में है और सैमसंग में आपके पास प्राइसिंग भी बहुत अच्छा है। तो अभी आते हैं वेस्टर्न डिजिटल पे। वेस्टर्न डिजिटल में भी आपके पास है, बट आपके पास वेस्टर्न डिजिटल का जो ब्लैक है, WD ब्लैक है, वो अवेलेबल नहीं है, तो उसका क्या अप्रोक्स रेंज रहेगा? एक्चुअली ब्लैक का तो अभी जो रेंज आ रहा है, ब्लैक का स्टॉक में बहुत इशू आ रहा है। उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर, उनका स्टॉक में आपस में कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है। क्रुशियल का भी उतना स्टॉक नहीं है हमारे पास, क्रुशियल भी स्टार्ट होगा, हम क्रुशियल भी करते हैं। तो क्रुशियल का एंटायर लाइनअप, मतलब P5 Plus P3 Plus जो नया आ रहा है, P3, ये सब कुछ मिल जाएगा हमारे पास। तो ठीक है, अभी आते हैं वेस्टर्न डिजिटल पे। आपके पास WD ब्लू, WD ग्रीन दोनों अवेलेबल है, दोनों NVMe SSDs है। तो क्या प्राइसेस है इनके? तो ये हमारा पास जो अभी लाइनअप है दोनों ही है, दो ही है। ग्रीन में आपका SN350 हो गया और ब्लू में SN570 हो गया। तो इसमें अभी ये 480 यानी 500 GB और 1 TB दोनों कैपेसिटी में ही है। 480 GB का जो प्राइस है SN350 में, इसका प्राइस आ जाएगा 3,400 रुपया। सिमिलरली कैपेसिटी ब्लू में आपका आ जाएगा 4,000 रुपया। और अगर 1 TB का हम बात करें, 1 TB SN350 में इसका प्राइस आ जाएगा 6,400 रुपया। और इसका जो ब्लू वेरियंट है, ब्लू वेरियंट में इसका प्राइस आ जाएगा 7,250 रुपया। ओके, मतलब ये पूरा हो गया WD के बारे में। क्रुशियल P1 पे आते हैं सर। क्रुशियल P1 के बारे में जरा हमें बताना, उसका अप्रोक्स क्या रेंज रहेगा? P1 का जो रेंज है वो बेसिकली एक्चुअली ग्रीन का रेंज में ही आता है। वो मुझे तो लगता है ग्रीन से भी थोड़ा कम आता होगा, क्योंकि क्रुशियल के मैंने जो देखा है P1 और P2 दोनों में ही साटा से ज्यादा 100-200 का ही फर्क रहता है। तो गाइस, ये था एक कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग SSDs। हम लोग ने जितने भी अभी करेंटली रनिंग SSDs है, रनिंग RAMs है, दोनों कवर किए। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको कुछ भी बाय करना रहेगा, सर का व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट हिम। और आप शॉप पे भी विजिट कर सकते हो, शॉप पे आपको अभी गेमिंग जोन भी एक्सपीरियंस करके मिलने वाला है। तो डू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट हिम। और गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग RAMs, SSD, NVMe, SSD। आई होप वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द विशेस कम टू अस। बाय बाय।